गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स फॉलोअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फायर इंजीनियरिंग का, फायर टेक्निक के अंदर एक टॉपिक होता है। ये एक ऐसा टॉपिक मैं दे रहा हूँ आपको जो हमेशा जो है अवॉइड ही होता है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत ही कम स्टडी में इसको यूज किया जाता है या बताया जाता है। लेकिन फायर फाइटिंग के टाइम पे, फायर फाइटिंग के आग बुझाते हैं इस समय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कम से कम टाइम में छोटी से छोटी क्लास करेंगे। बस इसको अब बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्वेज, वो है सॉल्वेज। आपने से आप में से कुछ लोगों ने सुना हुआ है, उनको अजीब नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने सुना ही नहीं है फायर इंजीनियरिंग में, उनको जरूर लगेगा ये क्या चीज़ है सॉल्वेज। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसका अलग से कोई नाम नहीं है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। सॉल्वेज का मतलब होता है आग से हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी संपत्ति को बचाना, उसकी रक्षा करना। किसी भी तरह से, जैसे धुएं से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, उससे हमारी प्रॉपर्टी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, आग लगने की वजह से हमारे घर के पर्दे, खाने का सामान, सोफे, बेड, चादर, कपड़े, ये सब जल जाते हैं, या छत गिर जाती है, या बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ये सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट हो जाए, या बहुत ज़्यादा फिर कीचड़ बन जाए। तो इन सभी चीज़ों से हमारी संपत्ति को बचाना या इन सभी तरह के नुकसान को कम करना ही सॉल्वेज का मतलब होता है, यही सॉल्वेज होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि सॉल्वेज को करते कैसे हैं, ये सब संपत्ति को बचाने के लिए क्या क्या पॉइंट यूज करते हैं, क्योंकि देखिए क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी और कंप्लीट बात करें तो कम से कम एक घंटा का वीडियो हो जाएगा, उतना लंबा आप लोग देखते नहीं हैं। कमेंट आते हैं कई बार मुझे कि सर वीडियो छोटी से छोटी बनाइए, ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि बोर हो जाओ और कम से कम टाइम में इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ो। तो पॉइंट पर आते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है वो गड्ढे, नाली या ऐसा कोई रास्ता जिससे पानी घर का बाहर जाता है, घर का या फैक्ट्री का या जहाँ भी आग लगी उसका जो पानी बाहर जाता है, उस रास्ते को साफ करना, रास्ते को खोल देंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी ताकि सारा पानी बाहर जाता रहे और पानी जमा ना हो, जिससे सॉल्वेज नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है जो पानी जमा हो गया है उसको बाहर निकालना है, रुके हुए पानी को फैलने से, एक से एक दूसरे कमरे में या बाकी फैलने से उसको बाहर निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो धुआं बन गया है, जो आग लगने से जो धुआं हो गया है, धुएं को बाहर निकालना, वो आपको पता ही है, वेंटिलेटर होंगे वो ऑन कर देंगे, वेंटिलेशन का टेम्प्रोरी जुगाड़ बनाएंगे, सारे खिड़की दरवाजे खोल देंगे, ऊपर से कोई और जंगला या कोई जाली लगी हो उसको खोल देंगे, मतलब धुआं बाहर निकालेंगे। उसके बाद आग बुझाते समय तोड़फोड़ को कम से कम करना चाहिए, यानी कि बस जल्दबाजी में कैसे भी एकदम प्रेशर से पूरा दीवारों पर या कच्ची दीवार पर या छोटी दीवार पर, कई जगह लकड़ी वकड़ी की जो दीवारें बनाई जाती हैं हमारी, उस बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम से पानी नहीं मारेंगे, या और भी बहुत जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के लिए, आगे जाने के लिए, कुछ भी फायर फाइटिंग का एक्टिविटी करने के लिए तोड़फोड़ नहीं करनी है ज़्यादा। बहुत ज़रूरी है, कोई दरवाज़ा तोड़ना है अंदर जाने के लिए, मजबूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि साइड के जाके जंगले दीवारें सब तोड़फोड़ डालो, कम से कम तोड़फोड़ करनी होती है। क्योंकि फायर फाइटर का सिर्फ ये काम नहीं है कि आग बुझाना, उसका यह भी काम है कि वहाँ की जान और माल, वो दोनों को भी कम से कम नुकसान होना चाहिए, उनको भी बचाना पड़ेगा। इसके बाद फर्नीचर हो गया, खाने पीने के सामान हो गए, इसके अलावा घर के खिड़की दरवाजे पर्दे, नीचे जो मैट बिछे होते हैं, कालीन वर्क वगैरह होती हैं, सोफे वगैरह होते हैं, बेड, मैंने आपको बताया, वो सभी चीज़ों को या तो किसी चीज़ से ढक देना चाहिए गीला करके, या उनको एक जगह इकट्ठा कर देना चाहिए, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल है हम हटा सकते हैं उसको हटा देना चाहिए ताकि वो कम से कम नुकसान हो और वो बच सके। ठीक है,
इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे जो है होते हैं, बट फायर फाइटर हैं आप, फायर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो अब मैं बात करूँगा कुछ औजार जो होते हैं, जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे साथ में जो लेके चलना होता है सॉल्वेज के लिए। मैं बता दें कि बोल्ट वगैरह, नट बोल्ट जो होते हैं वो काटने के लिए हमें एक बोल्ट कटर की आवश्यकता होती है, सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, पानी निकालने के लिए बाल्टी चाहिए, किसी चीज़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, हाथों में हमारे दस्ताने होने चाहिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए या हटाने के लिए उसके टुकड़े करने के लिए हमें हथौड़ा चाहिए, किसी चीज़ को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड चाहिए, इसके बाद हमारा कटिंग टूल होते हैं कई तरह के, रस्सी होती हैं, पानी जमा हो गया तो उसको निकालने के लिए समर्सिबल या छोटे टुल्लू पंप होते हैं वो भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, कैजुअल्टी निकालने के लिए स्ट्रेचर चाहिए, लाइट भाग जाए इमरजेंसी में पावर सप्लाई के लिए जनरेटर चाहिए हमें जो है वहाँ पे, टॉर्च वगैरह चाहिए, हमारी जैक चाहिए किसी चीज़ को उठाने के लिए, ट्रॉली वगैरह चाहिए कि भाई किसी भी सामान को या एक साथ स्ट्रेचर पर नहीं ले जा पाए तो कोई भारी सामान को या एक साथ दो तीन आदमियों को हम कैसे भी बाहर निकाल सकें, और भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, मैन कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ये सॉल्वेज का टॉपिक जो मैंने आज स्पेशल आप लोगों के लिए उठाया है, ये कैसा लगा आपको और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके लिए यूजफुल है नहीं है, आपके लिए सही में ये इस्तेमाल करने लायक, ये पढ़ने लायक, ये इंटरेस्ट लेने लायक इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी वो मुझे आप बताएंगे ज़रूर कमेंट करके, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं जो दे रहा हूँ वो चीज़ अच्छी है या ख़राब है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्ट में, ये जो डिसलाइक कोई करता है मुझे तो प्लीज़ आप डिसलाइक करने की बजाय कमेंट करके ये बताइए कि आपकी वीडियो में, आपकी इन्फॉर्मेशन में ये वाली आज कमी रह गई थी, ये चीज़ गलत थी, मैं उसको सुधार दूंगा। डिसलाइक करने से हम डिमोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ ये डिसलाइक वगैरह मत किया करो। वैसे भी यूट्यूब पर मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बांटने के लिए उन लोगों को जो या तो रेगुलर क्लास नहीं लगाते हैं या ऐसी जगह पढ़ाई करते हैं जहाँ प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलता है, ये वीडियो उनके लिए होती है। तो डिसलाइक करने का मतलब ही नहीं बनता है, फिर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक को करने की बजाय कमेंट में बता दीजिए कमी क्या है, नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश करें, वरना सिर्फ लाइक करके ही मुझे बताइए कि हमारा जो आपके लिए ज्ञान देने का तरीका है या जो वीडियो देते हैं वो कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट लाइक और शेयर के लिए तो ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए तो आपकी वैसे भी जिम्मेदारी बनती है अपने दोस्तों के प्रति, अपने क्लास फेलोज के प्रति, कि उनको भी ये आप जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ये जानकारी ये क्लास पहुंचाएं, इसलिए आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।